वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान हैं। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं, भुट्टो और शरीफ खानदान ने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। हम मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हैं। हमारा मुकाबला दो ऐसे खानदानों से है जो दौलत से मालामाल है। भुट्टो और शरीफ खानदान सियासत नहीं, खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भी यही दोनों खानदान हैं। अमरीकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सलमान ने कहा कि इत्तेहादियों और अक्वामे मुत्तहिदा से मिलकर अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। जैक सलमान का कहना है कि बराए रास इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने होंगे। इंसानी हमदर्दी और इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत भी अफगानिस्तान के लिए परेशान है। सदर जो बाइडन के मुशीर बराए कौमी सलामती का कहना था कि अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर पाकिस्तान अमरीका से तआवुन का ख्वाहिशमंद है। इनका कहना था कि इस्लामाबाद के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात पर वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कह सकता। इस बुनियाद पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कैसा किरदार रहा, इस हवाले से भी कुछ कहना मुश्किल है। मंडी बहाउद्दीन के इलाके चाली अड्डा में बस बेकाबू होकर शहरियों पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जान बहक और 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा गहरी धुंध और बस ड्राइवर के गलती की वजह से पेश आया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद मेहंदी की तकरीब में शिरकत के लिए जमा हुए थे। पुलिस का कहना है कि हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ 3 मजीद अफराद दौरान इलाज इंतकाल कर गए। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। सर्दी में इजाफे के सबब मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड किया गया। सिंध के दीगर अजला में भी सख्त सर्दी है, जबकि मेहनत कश सर्द मौसम में भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत गोब्स में -16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, कलात में -12, क्वेटा गिलगित और इस्तौर में -8 और हंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक बी में कैश वैन को लूट लिया गया। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुलजमान ने मजामत पर फायरिंग करके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जख्मी कर दिया। जराए के मुताबिक रकम 3 थैलों में मौजूद थी। मुलजमान 1 थैला लूट कर फरार हो गए। पुलिस हकाम का कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।